बालाजी महाराज की जय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो आपको देखने बोला मेहंदीपुर के दर्शन। हम निकल चुके पूरी फैमिली के साथ अपने घर से। ये पापा खड़े हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पर है, सामने देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्रांति और मैं जा रहे हैं जोड़े से मेहंदीपुर बालाजी। हमारी मुस्कान भी हमारे साथ आई है यहाँ पर। सर कैसा लग रहा है आपको? भाभी को हम पहले लेके गए थे, क्रांति को अब लेके जा रहे हैं। हम जा नहीं पाए थे क्योंकि घर में थोड़ी बात है। अच्छा, मनीष कैसा लग रहा तुम्हारे? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। मम्मी मजा आ रहा है, ठंड लग रही तुम्हें? अच्छा, ज्यादा ठंड हो रही है। तो बैग भी हमारे लग चुके हैं, देखो कहीं सबके बैग लग चुके हैं। पापा बस ऑटो करके जाते हैं, फिर निकलते हैं सराय कालेखा के लिए। सराय कालेखा दोनों जा रहे हैं पहली पहली बार। मुस्कान तुम इससे पहले बालाजी कभी गई हो? नहीं। तुम ट्रेन से तुम गई हो? मैं हाँ, मैं पहले गई थी, मैं छोटी थी। अब बड़े पे जा रहे हो? है मेरा फर्स्ट टाइम। हम तो हर 3 महीने जाते रहते हैं, मगर ये दोनों पहली बार जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, इनके साथ भी इंजॉय कर लेंगे, कर ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने ऑटो कर लिए हैं। इधर ये मम्मी मम्मी और मुस्कान बैठे हैं और पापा बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, रामसी भाभी और मैं। भैया यहाँ बैठेगा, भैया काम कर रहे हैं वेट। भैया खड़ा है, अपना रिक्शा खड़ा कर रहे हैं। हम आए पाँच एक पुस्तक अपने रिक्शे में, उसके बाद हम जा रहे हैं दो ऑटो करके सीधा सराय कालेखा। वहाँ से करेंगे बस सीधा मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो मिलते हैं जाने में। बस हो गए, गाड़ी खड़ी करने गए थे। अच्छा, तो देखिए दोस्तों हमारे भैया भी आ चुके हैं, ड्राइवर भैया भी आ चुके हैं। हम चलने को रेडी हैं। यहाँ पर सब तैयार है, रेडी। वो मैंने वही कहा, बालाजी महाराज की जय। देखिए हमारे पापा कितनी जल्दी जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए। बस का टाइम हमारा हो चुका है इधर, बस पकड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए हमारे साथ पूरी फैमिली आ चुकी है। कैसा लग रहा है तुम हमें देख के? बस प्लीज कमेंट में बताएं हमारे मनीष कैसे लग रहे हैं। मैं मुस्कान के साथ रहूंगा, तुम अपने एक साथ रहो। कैसे कैसे बैठोगे तो बताओ, बताओ। अब देखते हैं कहाँ किसको सीट मिलती है, अभी कैसे बता दें हम। अच्छा, ये तो राम लक्ष्मण की जुड़ी साथी बैठेंगे दोनों, देखना। सारे एक साथी। मम्मी हमारी पीछे रह गई हैं, धीरे धीरे चलती हुई हैं। ये तो रजनी जारी पाल चाची। बोल भैरव बाबा की जय। कोतवाल कप्तान की जय। सरकार की जय। आने वाले बाबा की जय। किसी वाले बाबा की जय। सीताराम भगवान की जय। हेलो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी यहाँ से चल चुकी है। अब तो बालाजी के लिए हम जाने को तैयार हो चुके हैं। जैसे कि देख सकते हो, मम्मी हमारे साथ हैं, सलोनी है, मुस्कान, मनीष और पापा पीछे बैठे हुए हैं। देख सकते हो पापा पीछे बैठे हैं, बैठे पापा पीछे है पीछे। तो मम्मी के हो रहा है यहाँ पे पैर में दर्द, तो मम्मी अब लेटी हुई हैं। तो मम्मी दर्द हो गया पैर में? हाँ। अच्छा, ये मुस्कान वहाँ बैठ चुकी है, मनीष है, ये प्रेम भाई सो रहे हैं हमारे। तो यहाँ पैर दबा रहा हूँ मम्मी के। अपने बालाजी मंदिर पे हम आ चुके हैं। देखिए बस से हमारी यात्रा हो चुकी है, अब हम जाएंगे यहाँ से वैन के अंदर बैठ के धर्मशाला की ओर। देखिए धीरे धीरे सब उतर रहे हैं यहाँ से, हम भी उतर चुके हैं। भैया अंदर से सामान उतार रहा है, मैं यहाँ पर आप सबों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए सलोनी भाभी भी उतर रही है साथ में, और वो प्रांची भी वहाँ खड़ी है। हम बस में से उतर चुके हैं, बस ये खड़ी है यहाँ पर। हमारी बस आज की सफल यात्रा हो चुकी है बिल्कुल। अब यहाँ से ऑटो में, इसी वाले ऑटो में हम बैठ के जाएंगे। अब हम सब जने इकट्ठे होके यहाँ से मंदिर की ओर, धर्मशाला की ओर जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 5 और मंदिर के हम पहुँच चुके हैं।
जैसे कि देख सकते हो सबको इतनी देर शेड लगी है, इन्होंने यही आग जलाई है अभी, और देखो यही लकड़ियां मंगाई और यही आग लगा के अभी हाथ सेक रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय श्री बालाजी महाराज की जय। तो ये है बाबा का दरबार हमारे का, पूरी फैमिली साथ में है। साथ में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखो दोस्तों हम सब आ गए मंदिर के अंदर, यहाँ पर पापा हैं, सोनू भाई है, मनीष है, कांची है और भाभी हैं, सब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो भैरव बाबा की जय। बोलो पेत्रा सरकार की जय। बोलो समाधि वाले बाबा की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। लोग मंदिर में आ चुके हैं, देखिए सामने ये बाबा का मंदिर है, सामने कितना अच्छा मंदिर, अंदर से हो चुका है दर्शन करने के लिए। ये मेहंदीपुर वाला जी का दर्शन है। यहाँ पे आ चुके हैं प्रांसी के लिए, चूड़ा खरीदने आए हैं दोनों जने। अब प्रांसी के लिए चूड़ा डिसाइड करा जाएगा कौन सा लिया जाएगा, प्रांसी को आपको बताएंगे, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, देख सकते हो फाइनल हमने डिसाइड कर लिया है प्रांसी के लिए चूड़ा, तो वो भी लाख का पूरा। तो हम यहाँ से राम परिवार लेके जा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हो ये वाले हमने राम परिवार डिसाइड करे हैं, मेहंदीपुर वाला इसे। हाँ तो भैया जी आपकी शॉप का नाम एड्रेस क्या है पूरा? अच्छा मेहंदीपुर बालाजी, घाटा मेहंदीपुर बालाजी। जब भी कभी आए भाई की शॉप पे जरूर आए, भाई अच्छे से अच्छे रेट लगाएंगे इसके, कोई भी चीज लेनी हो आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चिराकी हैं, ब्रेसलेट हैं, ताबीज वाबीज अंगूठी वगैरह सब आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए सब जने यहाँ पे खड़े हुए हैं, राम परिवार हमने ले लिए हैं। तो ये फ्रांस सलोनी के हाथ में आ गए, बड़ी बहू के हाथ में राम परिवार है सबसे पहले। तो अभी दोनों बहुएं मिलके अब राम जी को अपने साथ यहाँ से लेके जाएंगे घर पे, अब स्थापना करेंगे घर पे अपने मंदिर में जाके। हम निकल चुके हैं तीसरी पहाड़ी के लिए दोस्तों, फाइनली हम अपनी तीसरे पहाड़ी पे चढ़ाई शुरू कर दी है। जैसे कि देख सकते हो पहला पहाड़ आ चुका है, यहाँ पे पहले पहाड़ का मंदिर है माता काली का, माँ काली का पहला मंदिर। तो दोस्तों हम पहली पहाड़ी पे आ चुके हैं जो कि आपको दिखा देते हैं, हम लोग यहाँ पर थक के बैठ चुके हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए भैरव बाबा की जय। प्रेतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। देखिए हम लोग यहाँ पर थक के बैठ चुके हैं। मनीष थकान तो नहीं रहे तुम्हें बैठ के? नहीं तो। अच्छा तांसी देखो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मुस्कान हम यहाँ बस फोटो क्लिक करने के लिए। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर। हम तो ऐसे ही एंजॉय करने आए, देखिए अपने खाने दर्शन के साथ आपको। ये देखिए यहाँ पे कल का माता में, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे यहाँ पर। बैठ लो भैया, सोडा चिकन जी नींबू पानी। ये देखिए राजस्थानी लोग अपने ड्रेस भी करा सकते हैं यहाँ पर, हम कराएंगे बट ऊपर चल के। ये देखिए साल पहले एक दो के पास आदमी ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। मन हट गई उसके बाद उसने मुझे घुमाया फिराया। सात जी ने मरने की कसमें खाई लेकिन बाद में मेरे साथ उसने शादी कर ली। तो इसमें धोखा क्या हुआ? अरे तो मैं धोखा देने वाली थी, रुका ही नहीं। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। मेरा एक सपना है देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। देखिए इस तरह की फोटो आएगी हमारे, अभी कुछ देर में दिखाएंगे आपको। अच्छा।
पकड़ लिया, देखिए इधर कितनी अच्छी लग रही है। भाभी घर ले चले गए, चलो चलो फोटो नहीं खींचा मैंने, बकरी के संग वीडियो बनाई है। हमारी भाभी को बकरी अच्छी लग रही है, देखो ये देखिए। चलो चलो इस पहाड़ी पर बकरी बंदर और भी जानवर हैं, मगर काटते नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाबा का दर है, इसलिए सब खुश खुश रहते हैं। अरे मनीष फिर थक गया क्या तुम इसे? अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहे हो ऊपर? सुनो ऊपर कहाँ जा रहे हो? फोटो खिंचाएंगे क्या करेंगे? अच्छा चलो खिंचाओ फिर। तो जैसे कि देख सकते हो हम पहाड़ पे आधे से ज़्यादा चढ़ चुके हैं, पहला पहाड़ पार कर चुके हैं हम यहाँ से, अब जा रहे हैं यहाँ से दूसरी पहाड़ की और फिर तीसरी पहाड़ी पे आपको जाके दिखाएंगे वीडियो पूरी। बाकी वीडियो बने रहे हमारे साथ। देखो जैसे कि देख सकते हो ये घर बने हुए हैं, ये सभी को स्थान दिए गए हैं यहाँ पे अपने अपने परिवार की तरफ से, जिसके परिवार से जो कोई सब ने अपने अपने स्थान दे, देख सकते हो सारे स्थान हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा नज़ारा है यहाँ से तीसरी पहाड़ी का। ये आगे आगे भाग रहे हैं सारे के सारे। तो देख सकते हो तीसरी पहाड़ी में मेरे भाई मन मिल चुके हैं। हाँ तो भाई कैसे हो? हेलो ठीक है बड़े भाई। और भैया क्या हाल है? और भैया कैसे हो? ये भाई हमारे को हमेशा मिलते हैं, हम यहीं से पीते हैं नींबू पानी वगैरह। दरबारी बाला जी मिलते तो भाई को जरूर मिल के जाते हैं। ये भाई हमारे काफी पुराने दोस्त हैं यहाँ के, जब भी हम आते हैं तो नींबू पानी जरूर पीते हैं। दोस्त क्या के? एक भाई से बढ़ के हमारे लिए। और देख सकते हो यहाँ पे फोटो शूट होने के लिए सब ड्रेसेस लगी हुई है। तुझे देखे ना एक लाइन याद आ रही है कि जाने कितने लोगों का ख्वाब जी रहा हूँ मैं, जिंदगी जो उसके साथ जी रहा हूँ मैं। दस सोनी है पसंद केड़ी था, तेनू लै चला अंबरा तो पा, नी किथे कोई लगो की रखदा नी जिदा तेरे जिन्ना सोना होवे यार, तू तुरी जांदी जित दी जावे तू जा। फ्रेंड्स हम अपने तैयार होना चलो शुरू हो गए हैं यहाँ पे, भाई हमारा फोटो कराएगा राजस्थानी लुक में। डांस कर घूम।
तीसरी पहाड़ी पे ही। ये पूरा व्यू है यहाँ का आगे का। यहाँ दुकानें भी हैं तीसरी पहाड़ी में, मैगी वगैरह यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको, आओगे तो कभी भी। और यहाँ हम बैठे हुए हैं, देखो कितना बढ़िया बंदूकों से बैठा। और जो भी है तो हमारे भाई के पास जरूर आए। भाई पे आप अपने कोई दुकान का एड्रेस बताइए पूरा। हमारा एड्रेस है मेलीपुर बालाजी दो पार्ट। देखो ये पेड़ देख सकते हो, पूरी पेड़ की पहचान है ये। पेड़ के नीचे भाई का ठिया है यहाँ पे। और ये सामने वाली दुकान भी इन्हीं की है जिसपे वो फोटो वगैरह करा सकते हैं। तो ये सामने वाली दुकान देख सकते हो, इसी के सामने भाई की दुकान है। जब भी आओ तो यहाँ पे जरूर मिले भाई के पास। तो देख सकते हो दोस्तों, भाई ने हमारे लिए नींबू पानी बना के तैयार कर दिया है। अब हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, पहले पियेंगे नींबू पानी, उसके बाद करेंगे आगे की चढ़ाई। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। देख सकते हो सब पानी नींबू पानी ले लिया सबने। मनीष ने पीना शुरू कर दिया। ये प्रियांशी है इधर, ये सरोनी, मुस्कान एंड प्रेम भाई। भाई बना बहुत बढ़िया, ये मेरा भी है। देखते हैं पी के कैसा बना है। मज़ा आ गया भाई, दिल खुश हो गया हमारा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा भाई के पास जरूर आएँ। यहाँ बालाजी जब भी आएँ भाई से ज़रूर मिलें एक बार। ये हमारे कहने पे जरूर आपको डिस्काउंट देंगे। बता देना वीडियो का नाम, जो ग्लास 20 का होगा वो 10 रुपये में पिलाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, दूसरी पहाड़ी निकल चुकी है, तीसरी पहाड़ी आगे आ चुकी है आगे। ये तीसरी पहाड़ी का रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है पूरा। तीसरी पहाड़ी की शुरुआत में आपको ये देखने को मिल जाएगी दुकान जैसे भाई की है, राधिका डिजिटल फोटो स्टूडियो मेहंदीपुर बालाजी। देखिए यहाँ से तीसरी पहाड़ी अब चालू हो चुकी है। सामने देख सकते हो जैसे कि तीसरी पहाड़ी का मंदिर यहाँ से दिख रहा है। ये है मंदिर तीसरी पहाड़ी का, जो कि पंचमुखी हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स, यही वो नल है जो कि हमारे दादाजी जब आए थे तो हमने यहाँ पानी पिया था, इस पर जब बाबा के साथ थे हम। ये वही जगह है, यहाँ पे बाबा हमारे संग थे। जब हम आगे आगे जा रहे थे तो बाबा कह रहे थे, कहने में रुक जाओ भागो मत। आज इस जगह को देख के फिर अपनी पैर पुरानी दिल्ली याद आ गई। दिने हमारी भाभी कितनी होशियार है, फोटो कराने के लिए नीचे तो उतर गए मगर ऊपर नहीं आ पा रही है यहाँ पे। और ये मनीष का सारा ले रही है, ये देखिए ऊपर वो कहीं कहीं पर भाई बस जल से। तो दोस्तों देखिए कितनी खतरनाक जगह पे ये दोनों गए थे अभी यहाँ पर इस फोटो के फ्रेम के लिए। देखिए मगर व्यू तो अच्छा है, मगर साथ में एंजॉय पूरा हुआ। काजल अगर तू मुझे नहीं मिली ना मर जाऊंगा, काजल कूद जाऊंगा, काजल कूद जाऊंगा। नजर कोई ना लगे हो ना लगे तेरे मेरे जोड़े नू, नजर कोई ना लगे हो ना लगे तेरे मेरे जोड़े नू। देखिए हमारे दोस्तों, चढ़ाई हमारी रंग लाई, तीसरा पहाड़ आ चुका है। जैसे कि देख सकते हो तीसरे पहाड़ के ये नज़ारा है पूरा तीसरी पहाड़ी का। ये है हमारे बाबा का मंदिर, तीसरे पहाड़ वाले बाबा। देख सकते हो ये मंदिर यहाँ से शुरुआत हो चुका है, पूरा आगे तक मंदिर ही मंदिर है आगे। यहाँ आपको नींबू पानी की दुकानें काफ़ी ज़्यादातर मिल जाएंगी। अगर प्यास लगे तो कभी भी आप यहाँ आके पानी वानी पी सकते हो रास्ते में। देखो देख सकते हो ये पहुँच गए हैं पहाड़ वाले मंदिर, तीन पहाड़ वाले मंदिर। यहाँ हमारे बाबा हैं पंचमुखी हनुमान जी। फ्रेंड्स हमारे तीसरी पहाड़ी बाबा के दर्शन हो चुके हैं, जो कि देख सकते हो सब आ गए हैं वापसी, सब ने दरकाश लगा दी है। ये हम यहाँ से भभूत लेके जा रहे हैं घर के लिए। तो अब चलते हैं आगे की वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। वीडियो बने रहिए, लास्ट तक स्किप ना करें। दर्शन करने के बाद हमें थोड़ी भूख लग चुकी है यहाँ पे। अब हम खाने बैठे हैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़े, अब यहाँ ब्रेड खाएंगे हम। देखो यहाँ के रेस्टोरेंट इस तरह से हुआ करते हैं, जैसे कि देखते हो तीसरी पहाड़ी का रेस्टोरेंट है, पूरा खुला आउटडोर व्यू है। देखिए फ्रेंड्स सब बैठ चुके हैं यहाँ पे। देखो हम जब भी यहाँ पे आते हैं तीसरी पहाड़ी पे हम यही खाते हैं, जैसे कि आपको तो मैं दिखाता हूँ रेस्टोरेंट की खासियत। अभी इन्होंने यहाँ पे पर्दे लगा दिए हैं, मगर पहले पर्दे नहीं हुआ करते, तो देख सकते हो यहाँ का पूरा व्यू इस तरह से दिखा करता था। ये है पूरा व्यू। हमारा खाना पीना पे स्टार्ट हो चुका है, खाना पीना हमारा हो चुका है, हम जा रहे हैं अपने धर्मशाला की ओर।
फिर करते हैं वहाँ पे पहुँच के ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे आपको कल दूसरे दिन में मेहंदीपुर के।